हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपका वेलकम करता हूँ वन नाइट स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग के बारे में। सबसे पहले सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग को इंडिविजुअली जानने से पहले हम इसके बारे में एक कंपेरिजन फॉर्म में इसका डिस्कस करेंगे कि सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग होता क्या है। तो दोस्तों, बोथ ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग आर दी मेटल ज्वाइनिंग प्रोसेस इन विच पेरेंट मटेरियल डजंट मेल्ट बट ओनली फिलर मटेरियल मेल्ट्स फिलिंग द जॉइंट विथ कैपिलरी एक्शन। जी हाँ दोस्तों, सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग दोनों ही प्रोसेस में, ये एक प्रकार का मेटल ज्वाइनिंग प्रोसेस है, और इन दोनों ही प्रोसेस में क्या होता है कि हम एक फिलर मटेरियल को यूज़ करते हैं, और फिलर मटेरियल जो हमारा होता है वही जो हमें जहाँ पे जॉइंट में हमें जो कंपोनेंट्स को ज्वाइन करना है उन दो कंपोनेंट्स को ज्वाइन करने के लिए हम एक फिलर मटेरियल यूज़ करते हैं, और वही फिलर मटेरियल ही मेल्ट होता है। हमारा कंपोनेंट जो होता है वह जरा भी मेल्ट नहीं होता है, सिर्फ फिलर मटेरियल ही मेल्ट होता है। इफ फिलर मटेरियल इज हैविंग टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 450 डिग्री सेंटीग्रेड बट द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द कंपोनेंट इज लेस देन इट इज कॉल्ड ब्रेजिंग और हार्ड सोल्डरिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर जो हम फिलर मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है 450 डिग्री सेंटीग्रेड से, बट लेस देन होता है मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ कंपोनेंट जो हम कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं जॉइंट करने के लिए, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रेजिंग, और इसका दूसरा नाम है हार्ड सोल्डरिंग प्रोसेस। एंड इफ मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ फिलर मटेरियल इज लेस देन 450 डिग्री सेंटीग्रेड एंड आल्सो लेस देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मटेरियल ऑफ कंपोनेंट्स देन इट इज़ नोन एज सोल्डरिंग और सॉफ्ट सोल्डरिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर जो फिलर मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उसका टेम्परेचर 450 डिग्री सेंटीग्रेड से लेस देन होता है, और जो कंपोनेंट हम यूज़ कर रहे हैं जिसे हमें ज्वाइंट करना है उसका भी मेल्टिंग पॉइंट अगर उससे लेस होता है, तो दोस्तों उसको बोलते हैं सोल्डरिंग, और उसका दूसरा नाम है सॉफ्ट सोल्डरिंग। अब दोस्तों, जो हम फिलर मटेरियल यूज़ करते हैं सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में, तो दोस्तों वो थोड़ा डिफरेंट होता है। सोल्डरिंग में हम यूज़ करते हैं लीड और टीन अलॉय, और जबकि ब्रेजिंग में हम यूज़ करते हैं कॉपर अलॉय। दोस्तों, अब हम सोल्डरिंग और ब्रेजिंग को इंडिविजुअली देखेंगे। दोस्तों, सोल्डरिंग में जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं उसमें होता है एक सोल्डर आयरन, सोल्डर और वर्कपीस। दोस्तों, जो सोल्डर आयरन होता है वह बेसिकली तीन पार्ट से मिलकर बना होता है, हैंडल, सेंक और कॉपर बीट। दोस्तों, हैंडल कुछ नहीं होता, ये बस एक पकड़ने के लिए काम में आता है, जो कि वुडन का भी बना हो सकता है जिससे कि आपको कम हीट फील होती है। और दोस्तों, सेंक होता है, ये एक प्रकार का स्टील रोड होता है जिससे हमारी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वह आगे जाती है कॉपर बीट को, और हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। दोस्तों, सोल्डर होता है जो कि एक फिलर मटेरियल होता है, जैसे कि हमने पहले बात किया था। और दोस्तों, अब क्या होता है कि जैसे कि ये वर्कपीस है और हमें इसमें इस पार्ट को इसमें ज्वाइन करना है, तो दोस्तों इस सोल्डर आयरन को हम लोग सबसे पहले हीट सप्लाई देकर इसको गर्म करेंगे, और उसके बाद फिलर मटेरियल पर टच करेंगे। दोस्तों, फिलर मटेरियल पर टच करने से फिलर मटेरियल मेल्ट होता है, और हमें जिस पार्ट पर उसे ज्वाइन करना है, जिस कंपोनेंट को, उसको हम यहाँ पे सिंपली ज्वाइन कर लेते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा सोल्डरिंग प्रोसेस। अब दोस्तों, जैसा कि हमने पीछे देखा कि दोस्तों सोल्डरिंग जो प्रोसेस होता है उसमें जो फिलर मटेरियल होता है उसका टेम्परेचर भी लेस देन 450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जो हम कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं जिसे हमें जॉइंट करना है उसका टेम्परेचर भी लेस देन 450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दोस्तों, अब क्या होता है कि जो सोल्डर हम यूज़ कर रहे हैं वह बेसिकली चार टाइप्स का होता है, सॉफ्ट सोल्डर, मीडियम सोल्डर, प्लम्बर सोल्डर, इलेक्ट्रिशियन सोल्डर। दोस्तों, यह इनका जो क्लासिफिकेशन है वो कितना हार्ड नहीं है, वह बेसिकली जो हम मिक्सचर यूज़ करते हैं, जो हम फिलर मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग में जो फिलर मटेरियल यूज़ होता है वह होता है लेड और टीन अलॉय। तो दोस्तों, जो लेड और टीन अलॉय का जो मिक्सचर होता है उसकी परसेंटेज में वेरिएशन के हिसाब से ही हम सोल्डर को क्लासिफाइड करते हैं। तो दोस्तों, 38% लेड एंड 63% टीन में सॉफ्ट सोल्डर, 50%
50% लेड, 50% टीन में मीडियम सोल्डर, 70% लेड, 30% टीन में प्लम्बर सोल्डर, 58% लेड, 42% टीन में इलेक्ट्रिशियन सोल्डर होता है। दोस्तों अब जो हम फ्लक्स यूज़ करते हैं, दोस्तों क्या होता है ना, सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग प्रोसेस में हम फ्लक्स यूज़ करते हैं। ये फ्लक्स क्यों यूज़ करते हैं दोस्तों, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जो फ्लक्स यूज़ करते हैं हम, वह होता है रेजिन, जिंक क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड का। तो दोस्तों यह था हमारा सोल्डरिंग प्रोसेस। अब हम बात करते हैं ब्रेजिंग के बारे में। दोस्तों जो ब्रेजिंग होता है उसमें जो हमारे जो टू पार्ट्स होते हैं जिन्हें हमें वेल्ड करना है, उसके लिए दोस्तों हम एक टॉर्च यूज़ करते हैं, जिसके टॉर्च के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। दोस्तों उस टॉर्च के कंपोनेंट्स में होता है एक होज, एक होता है कंट्रोल वाल्व, एक होता है मिक्सिंग चैम्बर, एक होता है नोज़ल। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि हमने जैसे कि पहले देखा था, इसमें जो हम फिलर मटेरियल यूज़ करते हैं वह होता है कॉपर अलॉय का। जी हाँ दोस्तों, जो फिलर मटेरियल हम यूज़ करते हैं वह होता है कॉपर अलॉय का, और जो उसका टेम्परेचर होता है वह होता है ग्रेटर देन 450 डिग्री सेंटीग्रेड बट लेस देन द टेम्परेचर ऑफ द कंपोनेंट विच इज़ टू बी वेल्डेड और जॉइंड। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि जो ये टॉर्च होता है, यह जो ब्रेजिंग प्रोसेस होता है, ये कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो हम कंपोनेंट जिसको हमें वेल्ड करना है उसमें हम एक प्रकार का पेस्ट यूज़ करते हैं जो कि स्पेल्टर और बोरेक्स से बना होता है, जिसमें हम वाटर यूज़ करते हैं उसको मिक्स करने के लिए। स्पेल्टर कुछ नहीं होता दोस्तों, ये वही फिलर मटेरियल होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, यह कॉपर अलॉय का होता है। तो दोस्तों जो ये पेस्ट होता है स्पेल्टर और बोरेक्स का, उसको हम इस जगह पर लगाते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, इस पेस्ट को लगाने के बाद हमें यहाँ पे हीट अप्लाइड करना होता है, जिसके कारण से यह मेल्ट होकर इस जगह पर जम जाता है। दोस्तों हीट अप्लाइड करने के लिए ही तो हम दो टॉर्च यूज़ कर रहे हैं। अब दोस्तों इस टॉर्च को क्या होता है कि यह जो दो प्रकार के यहाँ पे जो ये वाल्व्स बनाए हुए हैं दोस्तों, इसमें से क्या होता है कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन फ्लो करती है, और मिक्सिंग चैम्बर में ये दोनों मिक्स होकर ये बाहर निकलती है और हीट प्रोड्यूस होती है। दोस्तों यहाँ पे हमें कंट्रोल वाल्व भी दिया गया है, जिसके कारण से हम उसकी जो परसेंटेज वेरिएशन है उन दोनों के मिक्सचर में वो हम बैलेंस कर सकते हैं। दोस्तों अब ये था हमारा ब्रेजिंग प्रोसेस। दोस्तों अब ब्रेजिंग के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं कि ब्रेजिंग कितने टाइप्स के होते हैं। दोस्तों बेसिकली ब्रेजिंग फोर टाइप्स की होती है, टॉर्च ब्रेजिंग, फर्नेस ब्रेजिंग, इलेक्ट्रिक ब्रेजिंग, डीप ब्रेजिंग। दोस्तों टॉर्च ब्रेजिंग में क्या होता है, ये बेसिकली एक प्रकार का जो टॉर्च यूज़ कर रहे हैं हम, ये एक प्रकार का इसमें ऑक्सी एसिटिलीन जो मिक्सर होता है वह हम इसमें यूज़ करते हैं। दोस्तों इससे हमारा हीट प्रोड्यूस होता है। दोस्तों फर्नेस ब्रेजिंग में क्या होता है, फर्नेस ब्रेजिंग में हम जो हमने ये मिक्सर बनाया है उसके बाद हम इसे जस्ट फर्नेस पर रखते हैं और हीट अप्लाइड करते हैं। इलेक्ट्रिक ब्रेजिंग में क्या होता है, ये एक प्रकार की आर्क ब्रेजिंग होती है, जिसमें हम इलेक्ट्रिक सप्लाई के थ्रू से अपने ब्रेजिंग प्रोसेस को पूरा करते हैं। डीप ब्रेजिंग में क्या होता है कि दोस्तों एक प्रकार का हमारे पास जो सॉल्ट स्पॉल्टर होता है उसमें हमें डीप करना होता है, मतलब हमें डुबोना होता है इस जो हमने ये बनाया है इसको हम उसमें डुबोते हैं, जिसके कारण से यह उस पर जम जाता है और हमारा जो ब्रेजिंग प्रोसेस है वह हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग प्रोसेस को इंडिविजुअली। अब दोस्तों सोल्डरिंग और ब्रेजिंग को इंडिविजुअली देखने के बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ फ्लक्स। जो हम फ्लक्स यूज़ करते हैं उसका क्या यूज़ होता है, तो दोस्तों इट डिजोल्व ऑक्साइड फ्रॉम द सरफेस टू बी वेल्डेड। तो दोस्तों यह जो हम जो सरफेस जहाँ पे हम वेल्डिंग प्रोसेस कर रहे हैं वहाँ से यह ऑक्साइड्स जो फॉर्म होते हैं उनको मिलाता है और अलग करता है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वह है इट रिड्यूसेस सरफेस टेंशन ऑफ मोल्टन फिलर मटेरियल। दोस्तों जब फिलर मटेरियल जो मोल्ट हम जो करते हैं, जो फिलर मटेरियल मेल्ट हो रहा है, तो उसकी सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। दोस्तों इट प्रोटेक्ट्स दी सरफेस फ्रॉम ऑक्सीडेशन। दोस्तों क्या होता है जब हम फिलर मटेरियल मेल्ट होता है तो दोस्तों उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है ठंडे होने के कारण, तो दोस्तों यह उसको प्रोटेक्ट करता है फ्लक्स। दोस्तों तो इस प्रकार हमने देखा सोल्डरिंग और ब्रेजिंग के बारे में, उनका कंपैरिजन पढ़ा, उनको इंडिविजुअली समझा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उसे लाइक भी कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।